नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां धनबाद में झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 129,30,29,063 रुपए की 133 योजनाओं का शिलान्यास किया है और संबोधन कर रहे हैं। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। शिक्षा दीक्षा अलग अलग स्कूलों में अपने अपने संसाधनों के माध्यम से आप करते थे, लेकिन अब श्रम विभाग के माध्यम से पूरे 24 के 24 जिला में श्रम विभाग के श्रम स्कूल बनाए जाएंगे, वो भी आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे पूरे राज्य में। वहां गरीब गुरुआ के बच्चे मुफ्त पढ़ाई करेंगे, रह कर करके पढ़ाई करेंगे, और उन मजदूरों को कहीं इधर उधर गरीबों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे के पूरे 24 जिला में अगले वर्ष से ये काम हम लोग शुरुआत कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी आप लोगों से हम कुछ सुनना चाहते हैं। आप लोग जोर से आवाज दीजिएगा, सरकार आपके लिए बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आपको ये रोजगार मेला अच्छा लगा? चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो आने वाला समय, बहुत जल्दी चुनाव भी है, यहां बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारियों का हेलीकॉप्टर घूमने लगा है, मंडराने लग गया है पूरे राज्य में। आप लोगों से ये हम सुनना चाहते हैं कि आने वाला समय में याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सब लोग, आज आप लोग का मिठाई खाने का दिन है, घर परिवार वालों के साथ खुशी मनाने का दिन है। आज तो बहुत सारा लोग, बहुत सारा नौजवान छात्र छात्राएं, कोई शादी ब्याह का भी प्लानिंग कर रहा होगा कि अब तो नौकरी मिल गया, अब शादी कर लेते हैं। बहुत लोग की शादी हो गई होगी लेकिन रोजगार नहीं मिला था, लेकिन आज उसको भी रोजगार मिल गया और परिवार के साथ उनके चेहरे पर एक मुस्कान निश्चित रूप से आज घर में आएगी। आपके इस ऐतिहासिक क्षणों के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपकी ऊर्जा, तो सीएम हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जब धनबाद में झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 का ये आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें सीएम हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने 129,30,29,063 रुपए की 133 योजनाओं का शिलान्यास किया, और साथ ही 48,81,90,836 रुपए की 84 योजनाओं का उद्घाटन भी किया।